हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ ट्रेंडिंग टॉपिक। अब दोस्तों, टॉपिक कुछ ऐसा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट की है कि सर क्या फिर से एक बार यहाँ पर टाइम टेबल चेंज होने के चांसेस है, और इसके काफ़ी सारे रीजंस भी है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि अब तो यहाँ पर बहुत ही रेयर चांसेस रहेंगे आपके ACPC के टाइम टेबल चेंज होने के। इसका रीज़न ये है कि ACPC ने यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है, मतलब राउंड नंबर 2 का, मतलब जो सेकेंडरी एग्ज़ाम थी उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने में, और दूसरी चीज की यहाँ पर आपका नया वाला मेरिट रैंक डिक्लेयर होने में बहुत ज्यादा गैप है। तो इसके मतलब यही रहेगा कि अब यहाँ पर टाइम टेबल चेंज होने के काफी कम चांसेस है। हाँ, चांसेस है भी सही। अब मान लीजिए कि यहाँ पर गुजरात बोर्ड के सेकेंडरी एग्जाम्स के रिजल्ट्स है वो 25 जुलाई को आ भी गए, बट यहाँ पर लेट्स से कि CBSE जो कंपार्टमेंट एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवा रही है, और CBSE में तो यहाँ पर कंपार्टमेंट एग्जाम में लाखों की संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते, तो यहाँ पर अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं आया है। रिजल्ट की डेट इज नॉट येट डिस्क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर CBSE का रिजल्ट अगर आने में देरी हो जाती है तो फिर यहाँ पर चांसेस है कि टाइम टेबल वापस से चेंज हो सकता है। बट यहाँ पर इन सब कुछ, ये सब कुछ चीजें मिला के भी हम देखें तो ACPC ने सारी डेडलाइंस को काफी ज्यादा पीछे धकेल दिया है अगस्त महीने में। तो यहाँ पर अब रेडली ऐसे चांस हो जाएंगे कि यहाँ पर आपका जो एडमिशन है वो अब चेंज होगा, आपका जो एडमिशन इंजीनियरिंग एडमिशन का टाइम टेबल है वो चेंज होगा। दूसरी बात कि यहाँ पर गुजरात बोर्ड की एग्जाम्स बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, सेकेंडरी एग्जाम्स बोलते हैं गुजरात बोर्ड की, कि जिसके अंदर यहाँ पर 25 जुलाई के आसपास बोला जा रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा। बट यहाँ पर CBSE के जो सेकेंडरी एग्जाम्स और जिसको आप कंपार्टमेंट एग्जाम के नाम से भी जानते हो, तो उसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि 15 जुलाई से तो यहाँ पर अभी तक शेड्यूल डिक्लेयर हुआ है, 15 जुलाई से यहाँ पर ये जो है एडमिशन, मतलब सेकेंडरी एग्जाम्स कंपार्टमेंट एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो हाँ, CBSE बोर्ड अगर डिले करेगा तो फिर यहाँ पर प्रोसेस डिले होने के डेफिनेटली चांसेस है। और अगर आप ACPC का टाइम टेबल पढ़ो तो उसमें सबसे बॉटम में 4 पॉइंट लिखा है कि दिस इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर्स, ठीक है। अदर फैक्टर्स जैसे कि यहाँ पर आपका हो गया CBSE बोर्ड का रिजल्ट, तो इट माइट गेट चांस, बट अब ये चांस रेयर केस में है बदलने के। अब जो यहाँ पर नया वाला टाइम टेबल आया है वही ऑलमोस्ट फिक्स रहने वाला है, ठीक है। So yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then ask me in the comment section. Thank you. Bye-bye.